हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में अपन रैपिड की सर्विस करवाने जा रहे हैं। 95,000 वाली है एंड इस बार मैं डलवा रहा हूँ 0W40 मोबाइल का है ये। एंड एक बार चल लेते हैं लेके फटाफट, फिर आगे बताता हूँ। हाँ जी, तो अब मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि मैं इस बार सर्विस में अलग क्या हो रहा है। बेसिकली वैसे नॉर्मल जनरल सर्विस है, 95,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस होती है इसकी, उसमें ऑयल चेंज होता है और कुछ सच नहीं होता, फिल्टर विल्टर चेंज होंगे बस। तो इस बार मैंने चेंज बस ये किया है कि लास्ट सर्विस में मैंने एम्स ऑयल यूज़ किया था एंड इस वाले में मैं मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ और दोनों के ग्रेड में डिफरेंस है। जो एम्स ऑयल था 5W40 वो क्या कहते हैं उसकी जो प्राइस थी वो इसके 0W40 के बराबर प्राइस थी एंड एम्स ऑयल में मेरे को 0W40 मिल नहीं रही थी। मैंने सर्च करके देखा था क्योंकि मेरे को डिफरेंस पता करना था बेसिकली और कौन सा मेरे लिए बेस्ट सूटेबल है। गाड़ी इससे पहले जब सर्विस हुई थी, मतलब जो जब मेरे एम्स ऑयल यूज़ करने से पहले सर्विस हुई थी, जब मैंने गाड़ी लेने से पहले की बात जब कह रहा हूँ मैं, तब गाड़ी की नॉइज़ जितनी थी उसके कंपेरिजन में एम्स ऑयल जब मैंने यूज़ किया तब अच्छा खासा डिफरेंस था। अब वो नोटिस कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता है वो वेरी करता है एंड इंजन पे भी वेरी करता है कि वो कितना वेयर आउट है कितना नहीं। सो अभी 0W40 डाल रहा हूँ मैं मोबाइल का एंड बहुत अच्छा ग्रेड ऑयल है, बेस्ट ग्रेड माना जाता है एक तरीके से। अपनी ये जो इंडियन कंडीशन में जो गाड़ियाँ चलती है उसके हिसाब से तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो अभी मैं एक बार वो डलवाता हूँ, अपन जहाँ पे सर्विस करवाते हैं हर बार वहीं चल रहे हैं एंड फिर मैं आपको आगे की डिटेल्स बताता हूँ। अपनी एवरग्रीन शॉप पे राधिका मोटर्स, चलते हैं अंदर। सबसे अच्छी यहाँ की बात ये है कि सारे ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ होते हैं, इसलिए मैं यहीं आता हूँ सारे काम करवाने। मेरे सारे दोस्त भी अब यहीं आते हैं अपनी गाड़ी लेके। We'll be right back.
बड़ा है ना ये तो मेरे। साइड देख लेना बस कौन से साइड। हाँ जी, तो सर्विस हो चुकी है। इंजन ऑयल के अलावा जो बिल आया है वो अपना आया है 2549 का। लेबर वेबर सब कुछ मिला मिलू के, एंड ये कुछ ऐसा बिल है। ऑयल फिल्टर 675 का है, एयर फिल्टर 750, एसी फिल्टर 324, एंड वॉशर वाला जो पाउच होता है वो 50 रुपीज़ का, लेबर 750 रुपीज़। ये दो मैंने एक्स्ट्रा लिए थे क्योंकि ये काम आते हैं मेरे को बेसिकली। विंडस्क्रीन क्लीनर है, उसका लिक्विड है। ये कुछ बिल बना है इसका। एंड ऑयल की जो कॉस्टिंग है वो अलग है। अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो जितने में मैंने लिए उतने में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समवेयर अराउंड इसकी रेट फ्लक्चुएट होती रहती है इस स्पेसिफिक इंजन ऑयल की। वैसे सारे इंजन ऑयल की होती रहती है, कुछ ऊपर नीचे, पर इसका कुछ ज़्यादा ही चलता रहता है। तो उसकी बेसिकली मार्केट में रेट अप्रोक्सीमेटली 4,000 से लेके 8,000 तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, सब उस पर डिपेंड करता है कितना है कितना नहीं। एंड मेरे को जहाँ से मिला है वहाँ पे मेरे को 4,000 रुपये में 5 लीटर मिला है, जिसमें से 4.5-1 लीटर के आसपास इसके अंदर ऑयल आया है, बाकी आधा लीटर जो है वो मैंने बूट में रख रखा है। एंड उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस का डिफरेंस मेरे को अभी भी फील हो गया है, मतलब और ज़्यादा साइलेंट हो गई है गाड़ी एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट वाला ऑयल था उसके बाद से। एंड अभी तो मेरे को धीरे धीरे पता भी चलेगा जैसे जैसे चलाऊंगा, इसलिए मैं एकदम से आपको रिव्यू सा नहीं दे सकता इस बारे में, बट इतना कहूंगा कि वर्थ इट है। एंड जितना अच्छा इंजन ऑयल उतनी अच्छी गाड़ी चलेगी और उतना अच्छा गाड़ी के लिए बेटर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आदित्य, ड्राइव विद आदित्य। थैंक यू, बाय बाय।